डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंट्राडे लेवल 29 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन लेवल। और कल मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी दोनों एक ही हुआ, मंथली एक्सपायरी है। तो कल शीर्षक है कल क्या 18100 के पास एक्सपायरी होगी, 18000 से 18100 के पास होनी चाहिए ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो देखते हैं कल क्या होता है। और बाकी बड़े FII सब तो छुट्टी पे है तो कोई खास मूवमेंट नहीं है, यहीं पर 100-150 रेंज में ऊपर नीचे होके एक्सपायरी हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। और FII के डाटा भी कोई खास नहीं है। और आपने आज जो भी कॉल दिए थे कुछ में पैसा बना, एक बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कट गया 224 में, 260 में दिया था ऑप्शन में लेने को, लेकिन वो स्टॉप लॉस कट गया। हाँ, कॉल लेने को कहा था बैंक निफ्टी का, उसमें अपने को प्रॉफिट मिला अच्छा 70-80 रुपया, और निफ्टी में भी 20-30 पॉइंट का मुनाफा मिला। और जो मैंने टाटा स्टील का भी वीडियो बनाया था, विप्रो का भी बनाया था, आज इसमें भी डाला हुआ है डेली का लेवल, तो आप नोट करते रहे लेवल सही है या नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। ये डाटा है 28 दिसंबर 2022 को, 29 दिसंबर को कैसा रहेगा। देखिए डाटा में कोई खास नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है सर, बड़ा छोटा मोटा मामूली सा चेंजेस है, तो डाटा में कुछ नहीं है खास, कल की तरह ही रहेगा, सॉरी आज की तरह ही कल रहेगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, दोनों साइड मौका मिलेगा तो जहां जैसा मौका मिले वैसा अपने काम करेंगे हीरो जीरो में। और स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, क्यों जीरो करके कोई फायदा नहीं है, स्टॉप लॉस से खेलेंगे। कल तो मैंने लेवल दिए हुए, आज हीरो जीरो को भी लेवल दे दिए इसी वीडियो में, तो जैसा हो स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा। और लेवल दिए हुए है क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, उसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने लेवल दिया, तो लेवल के हिसाब से लेवेज लेवेज करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से FII ने 4010 करोड़ का बाय किया इंडेक्स में और 3625 करोड़ का सेल किया। नेट बेसिस पे 385 करोड़ का बाय किया, LS रेशियो 0.92, 873 करोड़ का कैश में बेचा है, 373 करोड़ का DII ने कैश में बाय किया और क्लाइंट प्रोदर ने 500 करोड़ का बाय किया। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे लेवल है थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए टाटा स्टील टिस्को, लेवल बिलो 110.80 रुपये के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 109.10-108 तक आ सकता है, 110.80 के ऊपर चले तो 111.70 और 113.30 तक जा सकता है, इंट्राडे लेवल है। इंट्राडे थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी स्पोर्ट लेवल बिलो 18121 आज का क्लोजिंग के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 18065-18010, रेजिस्टर ऊपर में 18174 और 18245 तक भी जा सकता है। ये निफ्टी के मूविंग एवरेज है 5 डे 18041, 10 डे 18190 और 20 डे 18409 और 18281। RSI 44.52 है और स्टोकेस्टिक 38 है। कॉन्ट्रैक्ट 40,29,800, 70,51,100 ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट 20,30,300, ये जनवरी का लिया उसमें इसमें ऐड आ रहा है। और स्पॉट क्लोजिंग 18,122, वीक्स 15.39, PCR 1.14 और इंडियन रुपीस फ्यूचर 82.98। ये जो मैं PCR बनाता हूँ 1.07, मंथली 1.52 और क्वार्टरली 1.54, वीक्स 15.39। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। हीरो जीरो है, इंटरडे थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के निफ्टी 18,000 का कॉल है वीकली वाला, बिलो 155 के नीचे सेल जोन कर सकते हैं, जो सेल करना चाहे वो कर सकते हैं, 190 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 111.79। हीरो या जीरो है,
ये नोट कर ले और इन केस नीचे आवे तो नीचे फिर कहीं बाइक करना होगा तो मैं अपडेट दे दूंगा, तो 18,000 का जो लेवल इसके बाद वाला निकलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। इंट्राडे थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी 18,100 का पुट वीकली वाला अबव 42.60 रुपये क्लोजिंग है, इसके ऊपर चले तो बाई कीजिए और सपोर्ट 19.5 का रखिए। रजिस्ट्रेशन आपका 54, 77 और 105 तक जा सकता है और 42.5 के ऊपर बाई कीजिए और सपोर्ट नियर का चाहिए तो 31 रुपये का रखिएगा और 31 टूट जाए तो निकल जाइए, फिर 19.5 के पास चांस ले सकते हो 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे लेवल थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए विप्रो लेवल एबो 386.50 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट 384.25, 382.20, रेजिस्टेंस 390.55, 393.20 तक जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 42,850 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 42,670, 42,515, ऊपर में रेजिशन 43,040 और 43,192 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है 5 डे 42,480, 10 डे 42,850 और 20 डे 43,170, RSI 50.40, स्टोकेस्टिक 49, कॉन्ट्रैक्ट 14,49,700, ओपन इंटरेस्ट 16,76,850, ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट 3,50,325 एड हुआ है क्यों ये जनवरी के हैं और क्लोजिंग दिया है 42,828 का। मनी कंट्रोल साइड से PCR 1.17, ये मैं जो PCR बनाता हूँ 1.16, मंथली 1.28, क्वार्टरली 1.29, वीक्स 15.39। इंट्राडे थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 42,500 का कॉल वीकली वाला बिलो 403 के नीचे सेल जोन में रहेगा, सपोर्ट 295, 180, 110 तक आ सकता है और रेजिस्टेंस ऊपर में 490 का आप रख सकते हो, मैंने 403 के आसपास भी बेच सकते हो और या इसके नीचे हो तो बेचे तो 403 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए और यदि मौका मिले ऊपर की ओर तो 403 440 के पास कहीं भी बेचे 490 का स्टॉप लॉस, जीरो या हीरो रहेगा ये कल के लिए। ये भी जीरो हीरो इंट्राडे थर्सडे 29 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 43,000 का पुट वीकली वाला एबव 253 के ऊपर बाय जोन में रहेगा, क्लोजिंग है और सपोर्ट 155 का रहेगा, रेजिशन 375, 490 और 610 तक जा सकता है और 253 के नीचे हो तो वेट कीजिए, सपोर्ट 155 के पास लीजिए, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।